और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात बांग्लादेश की करेंगे, जहां से बड़ी खबर मिल रही है एक हिंदू की मॉब लिंचिंग यहां की गई। बताया जा रहा है ईश निंदा का आरोप लगाकर मॉब लिंचिंग की गई, तो बांग्लादेश में ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहे और एक बार फिर से हिंदू की मॉब लिंचिंग की गई है। अल्पसंख्यकों पर लगातार यहां जुल्म उठाया जा रहा है, ये बड़ी खबर मिल रही है, हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग की गई है, सरेआम लोगों के बीच हत्या कर दी गई, ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईश निंदा का आरोप लगाया गया उस पर और उसको पीट पीट कर नृशंस हत्या कर दी गई है, मार डाला है भीड़ ने एक हिंदू युवक को। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उस शख्स की, बर्बरता की ये तस्वीरें फिर से बांग्लादेश से आई हैं। बार बार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हमले तेज हो रहे हैं और अब मॉब लिंचिंग की खबर मिल रही है। बांग्लादेश की तस्वीर आप देख रहे हैं, तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बर्बरता फिर से बांग्लादेश में की गई है, हिंदू युवक की हत्या कर दी गई, सरेआम उस शख्स की फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं, कम उम्र रही होगी, छोटा बच्चा लग रहा है ये, और मंदिर में भी देखिए तोड़फोड़ की गई है। तोड़फोड़ की जो खबरें हैं वो तो आम हो गई है, ऐसा लग रहा है कि रोज ही इस तरह की खबर आती है कि जहां अल्पसंख्यकों के मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, और अब मॉब लिंचिंग की घटना एक बार फिर बांग्लादेश में हुई है। हिंदुओं से बर्बरता थमती नहीं दिखाई दे रही है, लगातार उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद कट्टरपंथी हावी हैं, यूनुस सरकार फेल नजर आ रही है, यूनुस कट्टरपंथियों के इशारे पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि यूनुस ने शेख हसीना को लेकर क्या बयान दिया है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। बांग्लादेश का अस्तित्व है तो सिर्फ भारत की वजह से, बांग्लादेश जिसके निर्माण में भारत की बड़ी भूमिका रही, बांग्लादेश जो भारत की उंगली पकड़कर आगे बढ़ा, अब वही बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है, वही बांग्लादेश भारत को बताने की हिमाकत कर रहा है कि भारत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तख्तापलट होते ही बांग्लादेश की सरकार के सुर बदल गए हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने बयान देते हुए कहा कि शेख हसीना का भारत में रहते हुए राजनीतिक टिप्पणी करना एक अमित्रतापूर्ण इशारा है। अगर भारत शेख हसीना को तब तक रखना चाहता है जब तक बांग्लादेश उसे वापस नहीं चाहता, तो शर्त ये होगी कि शेख हसीना को चुप रहना होगा। मतलब साफ है, शेख हसीना की देश छोड़ते ही कट्टरपंथी समर्थित सरकार आते ही बांग्लादेश के हाव भाव बदल चुके हैं। मोहम्मद यूनुस अब भारत को मित्रता के पैमाने सिखा रहे हैं, उस भारत को जिसने बांग्लादेश को चलना सिखाया। इतना ही नहीं, शेख हसीना की वापसी को लेकर यूनुस ने बयान दिया, हम शेख हसीना की वापसी चाहते हैं ताकि बांग्लादेश के साथ न्याय हो सके, शेख हसीना पर मुकदमा चलना चाहिए, हसीना जब तक भारत में है तब तक चुप रहे। मोहम्मद यूनुस इंसाफ और न्याय की बात कर रहे हैं और खुद के देश में बांग्लादेशी हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। खुलना में ईश निंदा के आरोप में भीड़ ने एक हिंदू लड़के पर क्रूर हमला किया, भीड़ ने लड़के को पुलिस से छीन लिया, उपायुक्त कार्यालय के अंदर उस पर हमला किया। बताया जा रहा है कि गंभीर हालात में सेना के अस्पताल में इलाज जारी है। हिंदुओं पर हमलों के मामले में यूनुस ने आंखों में पट्टी बांध रखी है, इसीलिए भारत में संतों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में कदम उठाने की मांग की। सभी देशों को आगे आना चाहिए और समस्त अखाड़ों को आगे आना चाहिए और समस्त भारत की संत समाज को भी आगे आना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो वहाँ जाकर कुछ भी करना चाहिए। वहाँ जो कुछ हो रहा है पूरा संत समाज चिंतित है। पड़ोस का देश है और पहले वहाँ सभी हिंदू ही थे, आज भी बड़ी संख्या में वहाँ हिंदू रहता है, इसलिए हम सबका एक प्रकार से दुखी होना ये जायज है। हिंदुओं को बचाने के लिए जल्द कुछ करना होगा, क्योंकि यूनुस प्रशासन तो अब बांग्लादेश में हिंदू अफसरों की लिस्ट बनवा रहा है ताकि उन्हें अलग थलग किया जा सके। क्या इससे पता चलता है कि यूनुस के चेहरे से जिहादी नकाब उतर चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।